हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ जो बलेनो डेल्टा के साथ जो डिफ़ॉल्ट की आती है, इसे अपन कवर करने वाले हैं। सो इसके जो फीचर्स होते हैं, क्या क्या सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आपसे अब कवर करूँगा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि इस की में दो बटन आते हैं, आप देख सकते हैं, एक लॉक और एक अनलॉक। तो इसके बेसिस पे इनको दोनों को साथ में प्रेस करके जो भी फंक्शंस होते हैं मैं आपको क्लियर करता हूँ। सो ये जो डिफ़ॉल्ट की है ये बलेनो के साथ आती है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसी दो कीज़ बलेनो डेल्टा मॉडल के साथ और सिग्मा के साथ, सॉरी शायद डेल्टा के साथ ही आती है। तो ये दो की हैं। तो ये जो सेकंड की आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने जो मेरी दूसरी की है, 7 फ्लिप की बोलेंगे, इसको मैंने बाहर से इंस्टॉल करवाया। ये फ्लिप की है। तो इसमें क्या हुआ है कि मतलब ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो की है, ओके, तो ये जो है इसकी पूरी टोटल कटिंग हुई है। और इसके अंदर जो रिमोट है, वो सेम रिमोट इसके अंदर प्लेस हो गया है। सो ये मुझे अराउंड कॉस्ट करी थी 600 समथिंग पूरा कंप्लीट विद कटिंग। ओके फ्रेंड्स, सो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि मतलब कि इस की में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फर्स्टली आप देख पा रहे हो कि एक लॉक है और एक अनलॉक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे जो गाड़ी है उसके जो साइड मिरर्स हैं वो भी ओपन है। अब मैं इसको लॉक करता हूँ तो आप देखेंगे लॉक होने पे जो साइड मिरर्स हैं वो है टोटली जो क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाती है। ठीक है, अब अपन इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने पर बीप करता है, और एक चीज़ और, ये अनलॉक करने पे दोनों जो साइड मिरर्स हैं वो ओपन नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगर अपन को क्या करना है कि फ्रेंड्स की आपकी गाड़ी को आपको निकालना है और ये इसका जो सायरन है वो बीप ना करे, तो आपको क्या करना है, इसको दो बार दबाना है। इसके बाद आप ओपन करेंगे तो इसको आप एक बार प्रेस करेंगे दोनों को साथ में, तो अब ये बीप नहीं करेगी, चाहे आप अगर लॉक करें चाहे अनलॉक करें। देखिए मैं आपको लॉक करके बताता हूँ, अनलॉक करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, तो आपको साथ में प्रेस करना है, 2 सेकंड के अंदर आपको ये चीज़ करनी है, फटाफट करनी है, एक दो। ये देखिए, सो ये हो गई ये वाले चीज़ की आपकी डिटेल्स हो गई। अब इसके बाद क्या होता है ना कि आपका जो जब आप गाड़ी अनलॉक करते हैं, लाइक अभी मैंने लॉक करी है गाड़ी, तो अभी गाड़ी लॉक है, और अगर मैं इसको अनलॉक करूँगा, एक बार अनलॉक करूँगा, तो सिर्फ ड्राइवर साइड जो डोर है वो ओपन होगा। लेकिन अगर आप ये करें तो ये आपका ओपन नहीं होगा, आपका ना टेल गेट ओपन होगा ना कोई, सिर्फ ड्राइवर साइड ओपन जो डोर होगा वो होगा। तो इसकी जो सेटिंग होती है MID से होती है, वो मैंने वीडियो में मेंशन करा है, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको चारों जो 5 डोर से, पाँचों डोर से टेल गेट के साथ में अगर आपको इसको अनलॉक करना है, तो इसको एक बार और प्रेस करना है। तो अब ड्राइवर साइड प्लस ये सब ओपन हो गया, अनलॉक हो गया। अब रही बात टेल गेट की, तो टेल गेट का जो सिंपल सा है, यहाँ पे मैग्नेटिक ट्रंक ओपनर है, आपको इसको प्रेस करना है और जो टेल गेट है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, और लॉक करने पर सिंपल, एक बार आप लॉक करेंगे तो जो पूरे डोर्स हैं वो सारे लॉक हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, ओके फ्रेंड्स, अभी जो आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ी जो लॉक है, ठीक है, और जिसमें जो सिक्योरिटी जो LED है वो अंदर ग्लो कर रही है, देख सकते हैं रेड कलर की। अब अगर मैं क्या करता हूँ, लाइक कि जो मेरी कार की जो विंडो है वो ओपन है, और मैं बिना अनलॉक करे कार को अगर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लाइक मैं पुश करता हूँ कि मैंने की को अंदर इंसर्ट करा और इग्निशन को ऑन करा, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो गाड़ी का जो सायरन है वो बीप करा, और उसे मैंने जैसे इग्निशन से निकाला तो भी है बीप कर रही है। तो मैंने इसको अनलॉक करा। अब इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, कि मैं कार में जैसे इंटर करता हूँ, लाइक किसी थेफ्ट ने अगर मेरी कार को कुछ कोशिश करी हो कुछ भी करने की, मैं जैसे कोई इग्निशन ऑन करूँगा तो आप ये बीप देख सुन सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, 1 2 3 4, तो इस टाइप से जो गाड़ी है आपकी इंडिकेट करेगी कि किसी ने आपकी गाड़ी से छेड़छाड़ करी है, और ये जो यहाँ पे जो रेड लाइट है वो आपको शो करेगी, आप बार बार ब्लिंक करके आपको बताएगी कि किसी ने आपकी गाड़ी से हरकत करी है, छेड़छाड़ करी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए पूरे गाड़ी के फीचर्स जो कि की से रिलेटेड थे, सिंपली कार अनलॉक की आपने साइड मिरर्स अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में यही चीज़ थी कि आपकी जो डेल्टा मॉडल में जितने सारे फीचर्स हैं वो मैंने आपको कवर करके बताए हैं। होप
जो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश करी वो आपको समझ में आया होगा, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई या फिर आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।